5 सितंबर को देश भर में शिक्षक दिन मनाया जाता है। अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो स्वयं एक आदर्श अध्यापक थे, शिक्षक थे, उनके स्मृति में इस दिन को मनाया जाता है। और इस दिन पे देश भर से चुने हुए अच्छे आदर्श शिक्षकों को पुरस्कृत भी किया जाता है। और हम मानते हैं कि अगर देश का भविष्य अच्छा होना है तो शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, और शिक्षा अगर अच्छी होनी है तो अध्यापक, प्राध्यापक, शिक्षक, ये उसकी मुख्य धारा है कि वो पीढ़ी को बदल सकते हैं। बच्चे घर में पढ़ते हैं, समाज में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव ये शिक्षक का होता है। और इसलिए अच्छे शिक्षक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, और इसलिए शिक्षकों को सम्मानित करना, एक आदर्श परंपरा को कायम करना है, और ऐसे शिक्षक ज़्यादा संख्या में हो, सभी शिक्षक देश निर्माण में लगे, यही संकल्प इस दिन करते हैं। अब सर्व शिक्षा अभियान के मार्फत सब तक शिक्षा लगभग पहुंच गई है, लेकिन अब अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेवारी है, और जितनी अच्छी शिक्षा होगी उतना ही देश का भविष्य और अच्छा बनेगा। और इसलिए क्वालिटी एजुकेशन, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, इन 5 खंभों पर एक नई शिक्षा नीति का आगाज होगा। हम मानते हैं कि इसमें शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और निभाना चाहिए। उसके लिए उनके साथ संवाद होगा, उनके प्रयोगों को सराहा जाएगा, अच्छे काम जो होंगे, जवाबदेही भी बनेगी, और उनके इन सर्विस ट्रेनिंग और प्री सर्विस ट्रेनिंग दोनों में और बहुत सुधार किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि देश के शिक्षक नई पीढ़ी के प्रति अपना उत्तरदायित्व जो है वो निभाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है।